एक में से आज तक हर दिन सुबह ये गेम खेलने के बाद फाइनली आज 10 मई को अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो चुका है। तो अभी यहाँ से आगे वैक्सीनेशन होने तक का ड्रामा जो है ना वो तो देखेंगे ही इस व्लॉग में, लेकिन उससे पहले ना थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, क्योंकि पिछले 9 दिन की कहानी और आज की कहानी में थोड़ा सा फर्क है। तो हुआ है ये कि कल शाम को मतलब 9 मई की शाम को 6:30 बजे अपने एरिया का जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो हो गया बस्ट। मतलब कल शाम से अपने घर पे लाइट नहीं है, और जितने लोग काउंटिंग किलोमीटर्स को फॉलो करते हैं पहले से, हिस्ट्री हमारी जिनको पता है, जिनको हमारा घर पता है, वो तो समझ चुके होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। लाइट नहीं मतलब वाईफाई नहीं मतलब हम चले गए वापस स्टोन एज में, बिकॉज नेटवर्क नाम की चीज़ तो अपने यहाँ पे मिलती नहीं है। सो पूरी रात अंधेरे में गुजारने के बाद और फोन भी डाउन होने के बाद, लेकिन मैंने ये तय कर लिया था कि आज 10 मई को भी ये जो गेम है ना अपना 9 बजे का वो मिस नहीं करना है। गेम तो खेलना है अपने को, वो भी नैप पे, वो ऐसी लत लग गई है रोज सुबह गेम खेलने की। तो दैट्स द रीज़न सुबह सुबह उठ के कार लेके बाहर निकला हूँ। घर से 5 किलोमीटर दूर आने के बाद अच्छा खासा नेटवर्क मिलता है, मतलब नेट स्पीड अच्छा मिल सके ऐसा, जियो की रेंज यही तक है। तो उतने टाइम में कार की USB पे थोड़ा सा फ़ोन भी चार्ज हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन वंस अगेन टू आवर चैनल, यू वाचिंग काउंटिंग किलोमीटर्स। कितने दिनों के बाद घर से बाहर निकल के एक्चुअल नेचर में कहीं पे आके व्लॉग ओपन कर रहा हूँ, इतना सही लग रहा है ना। बट ऑब्वियसली दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, ये एक्चुअल जो अपनी कोविड के खिलाफ लड़ाई है ना वो आज चालू होने वाली है। आज पहला डोज हम लेने जा रहे हैं, फिर उसके बाद वैक्सीन का दूसरा डोज 28 डेज के बाद, एंड देन आफ्टर सेकेंड डोज इट इज़ आई थिंक 2 वीक्स फॉर बिल्डिंग द इम्यूनिटी। तो मतलब 1.5 महीने में हम ये लड़ाई जीत जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल लड़ाई में थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि अभी अपने वापस घर जाना पड़ेगा, बिकॉज मैंने मास्क वगैरह कुछ कैरी नहीं किया है, डॉक्यूमेंट्स कैरी नहीं किए, और दूसरी बात मेरे साथ प्रियंका और ऐश्वर्या का भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो उन दोनों को भी पिकअप करना है घर से। तो अभी वापस घर जाऊँगा, उनको दोनों को उठाऊँगा और फिर निकलूँगा वैक्सीनेशन के लिए। तो घर जाके उनको लेके फिर उसके बाद ही सीधा आपसे मिलूँगा। इट्स ऑलमोस्ट 10 o'clock, 10 से 12 बजे के बीच का स्लॉट मिला है अपने को वैक्सीनेशन का, लेकिन अपना एक्साइटमेंट लेवल देखो, 10 से 12 का है तो 10 बजे ही पहुंचेंगे। बाय द वे दोनों वीरांगना रेडी हो चुकी है अभी लड़ाई पे जाने के लिए। बीपी आया चले? नहीं। बीपी आया असेल तो देणार नाही तो वैक्सीन? नाही होणार नाही, नेहमीच असतो। काय म्हणता मॅडम? तिला काही घेणं देणार नाही, वॅक्सिन द्या नका देऊ, नाही आपलं बस आराम आहोत, एकदम कूल चील आदमी, कोई लेना देना नहीं है, कोविड वो किसके साथ खाते है। एनीवेज अभी नाश्ता तो करके निकले हैं, लेकिन थोड़ा सा पेट में जगह है तो जाते जाते कुछ खाने के लिए भी लेंगे। इतने दिन के बाद बाहर निकले तो थोड़ा सा इच्छा होती है ना बाहर का कुछ खाने की, इतने महीनों से खाया नहीं है। वैसे बीच में तो घूम रहे थे उस टाइम पे खा रहे थे, लेकिन फिर भी अभी पिछले एटलीस्ट ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया कुछ नहीं खाया बाहर का। अभी थोड़ा सा नाश्ते के नाम पे कुछ खा लेंगे चटकदार और फिर जाएंगे, क्योंकि बोला है उन्होंने अच्छा खासा नाश्ता करके आओ वैक्सीनेशन के लिए। तो अभी आज का अपना दिन अच्छा खासा हैपनिंग रहने वाला है। एक तो बहुत दिनों के बाद सॉर्ट ऑफ अ ट्रैवल ब्लॉग आपको देखने मिल रहा है, क्योंकि ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग, भले वैक्सीनेशन के लिए क्यों ना हो लेकिन ट्रैवल कर रहे हैं। और दूसरी बात, अभी पता नहीं है वहाँ जाने के बाद कितनी भीड़ होगी, क्या सिस्टम होगी, कैसे सब हैंडल कर रहे हैं वो लोग। तो आपका अगर वैक्सीनेशन बाकी है, अभी तक हुआ नहीं है, तो आपको इस ब्लॉग में से बहुत कुछ मिलेगा। एक्चुअल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस पूरी प्रोसीजर में से, वो आपको इस ब्लॉग में पता चलेगा। और अगर आपने ऑलरेडी वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज किया है या फिर सेकेंड डोज भी आपका हो गया है, इफ़ यू आर दैट लकी, तो आप बताओ हमें कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द फर्स्ट डोज, इन द सेकेंड डोज, या फिर डोज लेने के बाद क्या केयर करना चाहिए। आपको एक्सपीरियंस है तो आप बताओ, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो हम हमारे इस ब्लॉग में से सीखो। एनी विच वेज द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज ब्लॉग पूरा देखो, बीच में छोड़ के मत जाओ। देयर इज अ चेंज इन प्लान, थोड़ा सा हमें ऐसा लगा कि अगर लेट हो जाएंगे तो फिर भीड़ बढ़ जाएगी, तो हमने वो बाहर का खाने का आइडिया स्किप कर दिया, स्किप मतलब पोस्टपोन कर दिया। अभी पहले वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं और फिर वहाँ से बाहर निकलने के बाद कुछ खाएंगे, लेकिन आज बाहर का कुछ खा के तो ज़रूर जाएंगे। लेट्स सी, अभी अंदर जाके देखते हैं कितनी भीड़ है, क्या है अंदर। सेंटर पे पहुँचने के बाद जो सबसे पहली चीज़ देखी ना, यहाँ पे डिसिप्लिन, सोशल डिस्टेंसिंग,
ऑर्गेनाइजेशन सारी चीज़ों के 12 बजे हुए थे, और देखते ही एक बात तो समझ में आ गई कि अपने को भी यहाँ पे कम से कम 12 तो बजने ही वाले हैं। और हुआ भी वही, इतना टाइम लगा इस लाइन में, और आगे पहुँच के पता चला कि जो एक्चुअल प्रोसीजर है वो तो इतना स्वीट एंड सिंपल था, बस इस रजिस्ट्रेशन काउंटर पे अपना नाम बताना है, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चेक करके आपकी एंट्री कराएंगे, फिर उसके बाद ये दूसरे काउंटर पे आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर एंट्री करानी है, और उसके बाद जाके वैक्सीन ले लेना है। फ्रस्ट्रेटिंग जॉब है ना, दिवस भर तेज तेज दिया तेज। ऐश्वर्या कभी एक्साइटेड है ना? थैंक यू मैडम। सो द टाइम राइट नाउ इज ऑलमोस्ट 12:20, मतलब 2 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन उसमें से ऑलमोस्ट 2.25 घंटे तो हम लोग लाइन में खड़े थे, और उसके बाद 5 मिनट हम लोग अंदर थे एक्चुअल वैक्सीनेशन के लिए। सो 5 मिनट का काम, 2.25 घंटा वेटिंग, बट ऑल इन ऑल 2 घंटा 20 मिनट बैक इन द कार। एक्चुअली बैक इन द कार होना नहीं चाहिए, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद वो बोलते हैं कि कम से कम आधा घंटा वहीं पे रुको, सो दैट इफ़ यू शो अप सम इमीडिएट साइड इफेक्ट्स और समथिंग लाइक दैट, तो वो इमीडिएटली आपको ट्रीट कर सके। लेकिन वहाँ पे आपने ऑलरेडी देखा इससे पहले के वीडियोज में कि वहाँ पे ऑलरेडी मेला लगा हुआ था, तो वी डिसाइडेड कि बाहर पार्किंग में आके कार में बैठेंगे, आधा घंटा यहीं पे बैठने वाले हैं, हम सीधा घर नहीं जाएंगे, तो आधा घंटा यहाँ पे कार में वेट करेंगे, और अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है किसी को तो फिर निकलेंगे, लेकिन डायरेक्ट घर नहीं जाएंगे, कुछ तो बाहर का खाके जाएंगे आज। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स नथिंग, एटलीस्ट फॉर मी। त्रास होतो है? हाँ नहीं होता। काय हात बीत मोडला, आदू झाला तुला काय? परत काय फ्रॅक्चर विक्चर नाही ना? तो आई थिंक अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा है, लेट्स सी अभी शाम तक क्या होगा। आपको नहीं, आज नहीं बताऊँगा मैं, मतलब बताने वाला हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि ये व्लॉग आएगा मे बी 1-2 दिन बाद, बट मुझे और प्रियंका को और ऐश्वर्या को वैक्सीन की वजह से जो भी कुछ हो रहा है, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है नहीं होता है जो भी होता है, इंस्टाग्राम स्टोरीज में आपको ज़रूर देखने मिलेगा। ऑफकोर्स मिला होगा अगर आप फॉलो कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, नहीं कर रहे हो तो करो, और हाईलाइट्स में रहेगा ये सेक्शन वैक्सीनेशन का, तो उसमें आपको पता चलेगा कि हमें कुछ साइड इफ़ेक्ट हुआ नहीं हुआ जो भी हुआ। अभी फ़िलहाल थोड़ी सी पेट पूजा करने के लिए निकलते हैं। कितने महीनों के बाद चिकन लॉलीपॉप खाना है, एंजॉय। बक बक कैसे खाते हैं बक? कितना भी घर पे बना लो चाइनीज़, ऐसा बन ही नहीं सकता, मतलब जो आपको एक्चुअल चाइनीज़ सेंटर में मिलता है ना, उसकी टेस्ट घर पे कभी नहीं आती। कल ही मैं प्रियंका को बोल रहा था कि यार बाहर का चाइनीज़ खाना है, बहुत इच्छा हो रही है, तो आज सोचा वही इच्छा पूरी कर लेते हैं। अभी लॉलीपॉप ख़त्म करता हूँ, और भी है थोड़ा सा पार्सल लिया हुआ है, तो वो सब खाएंगे मस्त तृप्त होतो, आणि मग त्याच्यानंतर तुम्हाला डायरेक्ट घरी जाऊनच भेटतो ना, मिलते हैं घर पे डायरेक्टली। ऑलरेडी शाम के 7 बज चुके हैं, और द रीज़न आई एम शूटिंग राइट नाउ इज अभी लाइट आई है, कल शाम को जो 6 बजे लाइट गई थी वो अभी 2 मिनट पहले लाइट वापस आई है, तो अभी मैं शूट कर पाया क्योंकि मेरा फ़ोन भी डाउन हो गया था, गोप्रो की भी बैटरी कम थी, और वैसे भी अपने पास करने के लिए कुछ था नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, इन्वर्टर नहीं कुछ नहीं फ़ैन नहीं, और गर्मी के दिनों में शूट करने की इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं थी। अभी भी बहुत पसीना पसीना हूँ मैं, क्योंकि लाइट आने के बाद सबसे पहले काम कर रहा हूँ आपको शूट करके ये ब्लॉग क्लोज कर रहा हूँ, अभी तक फ़ोन भी चालू नहीं किया है। सो दैट्स हाउ हार्ड द लाइफ इज ओवर हियर, इट वॉज अ जोक, बट एनी वेज टॉकिंग अबाउट द वैक्सीनेशन, अभी तक तीनों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है, कुछ भी नहीं हो रहा है, मुझे सिर्फ थोड़ा सा है ना यहाँ पे जहाँ पे एक्चुअल उन्होंने वैक्सीन किया है वहाँ पे थोड़ा सा दर्द हो रहा है,
बट बिसाइड्स दैट इज नथिंग, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, हाथ वगैरह एकदम फ्रीली हिला पा रहा हूँ मैं, बट यस अ लिटिल बिट ऑफ पेनिंग ते भी कल सुबह तक वो चला जाएगा। अब वो चला जाएगा या नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो कब जाएगा, ये सारी चीज़ें इंस्टाग्राम स्टोरीज में है, हाईलाइट्स में वैक्सीनेशन करके एक पूरा हाईलाइट बनाया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो क्या वैक्सीनेशन का हम पे क्या इफेक्ट हुआ है। बिसाइड्स दैट एज आई ऑलरेडी सेड, अभी 28 डेज बाद दूसरा डोज और उसके बाद 2 हफ्ते का इम्यूनिटी बिल्ड होने का टाइम देने के बाद वी आर फ्री टू रोम। आई एम अज्यूमिंग दैट द गवर्नमेंट विल अलाउ अस टू स्टार्ट ट्रैवलिंग अगेन दोनों डोज लेने के बाद। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड टिल देन आप जितना जल्दी हो सके खुद को वैक्सीनेट करा लो, बिकॉज वैक्सीनेशन इज द ओनली सोल्यूशन। अगर वैक्सीनेट नहीं कराओगे आप खुद को तो ये लॉकडाउन का फंडा चलता रहेगा। आपको अगर लॉकडाउन जल्दी खत्म करवाने हैं, आपको फ्रीली पहले जैसा जीना है, तो वैक्सीनेशन आपको जल्द से जल्द करवाना ही पड़ेगा। अभी फिलहाल खुद का अपॉइंटमेंट पाने के लिए जो दिक्कतें आ रही है वो होपफुली थोड़े दिन में कम हो जाएंगी, जैसे जैसे ज़्यादा ज़्यादा क्राउड वैक्सीनेट होता जाएगा उसके बाद स्लॉट्स ओपन मिलेंगे, इजीली मिल जाएंगे। लेट्स होप कि जल्द से जल्द आप सबका वैक्सीनेशन हो जाए और ये कोविड का पूरा फंडा जल्द से जल्द खत्म हो जाए। विद दिस होप ऑफ रिज्यूमिंग आर ट्रैवल प्लान्स एज सून एज पॉसिबल, आई एम टेकिंग योर लीव ओवर हियर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ या किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी, कीप काउंटिंग किलोमीटर्स।